हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिया और आज हम लोग बनाएंगे सोरसे पोटल चिंगड़ी। यमी एक बंगाली रेसिपी। और इसके लिए सबसे पहले एक पैन को गर्म कीजिए। उसमें मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डालने के बाद मैं इसमें पटल डाल रही हूँ यानी कि परवल। इसे डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। अब परवल फ्राई हो जाने के बाद इसको साइड में रख दीजिए। अब उसी कढ़ाई में उसी तेल में आप प्रॉन्स को फ्राई कर लीजिए। मैं यहाँ पर बिग साइज़ का प्रॉन्स यूज़ कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से फ्राई कीजिए जब तक कि इसमें से एक अच्छा सा खुशबू ना निकल आए। अब ये फ्राई हो जाने के बाद इसे भी एक साइड में रख दीजिए। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के उसमें प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट डालिए और अच्छी तरह से उसको थोड़ा सा फ्राई कीजिए। उसके बाद मैं इसमें धनिया जीरा और तेजपत्ता का पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपको लाल मिर्च पसंद नहीं है तो आप इसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए मसाले को। मसाला जल ना जाए इसीलिए एकदम लो फ्लेम में इसको कीजिए। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ। अब सारे मसाले को एक साथ मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा चीनी डाल रही हूँ, बहुत ही थोड़ा सा। अब पानी डालिए ताकि मसाला जल ना जाए। अब जब ये मसाला अच्छी तरह से थोड़ा पक जाए तब इसमें डालिए नमक। अब मैं इसमें जो परवल और जो प्रॉन्स है सब कुछ यहाँ पर डाल रही हूँ। अब अच्छी तरह से मिला लीजिए और थोड़ा सा पानी दीजिए। अब थोड़ी देर के लिए ढक के रखिए। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी सरसों का और हरी मिर्च का पेस्ट। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा खसखस भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब थोड़ा सा और पानी डालिए और अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए। अब इसको बस 5 से 7 मिनट ही पकाइए, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी रेडी है। अब 5 से 7 मिनट बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। और अब हम इसे सर्व कर देंगे।